ये है पुरुष का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पुरुष के स्पर्म बनते हैं और स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद स्पर्म्स एक तरह के स्टोर रूम में स्टोर हो जाते हैं। और जब आप अपनी महिला पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो या फिर मास्टरबेशन करते हो तो ये स्पर्म्स यही स्टोर रूम से निकलकर आपके पैर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कई पुरुषों में ये स्पर्म्स बाहर ही नहीं निकल पाते क्योंकि उनका स्पर्म काउंट जीरो हो जाता है। खैर, स्पर्म काउंट जीरो क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो में आगे डिटेल में बात करी है। अभी हम एनिमेशन वीडियो की मदद से ये जान लेते हैं कि एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए उसके पुरुष पार्टनर का स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म और एक एग की ही जरूरत होती है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक मेल का स्पर्म काउंट मिनिमम 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, यानी 1.5 करोड़ पर ml होना चाहिए। चलो बताता हूँ क्यों। आपके स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में बैठे अंडे के साथ फ्यूज होना होता है और मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो मेल का पेनिस यहाँ सर्विक्स के मुंह के पास स्पर्म्स एक्युलेट करता है। तो चलो लेट्स अज्यूम कि आपका स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml है, मतलब एक ml सीमेन में 2 करोड़ से भी ज्यादा स्पर्म्स हैं। लेकिन जब ये 2 करोड़ स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो आधे स्पर्म्स तो सर्विक्स से मुंह के बाहर यहाँ पर ही रह जाते हैं और सिर्फ 1 करोड़ ही आगे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं तो सर्विक्स में आपके स्पर्म्स के दुश्मन बैठे होते हैं जो आपके स्पर्म्स पर कुछ इस तरह से हमला करते हैं। दरअसल फीमेल की बॉडी को ये लगता है कि ये स्पर्म्स आउटडोर वायरस हैं, तो इसलिए ही व्हाइट ब्लड सेल्स स्पर्म्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इसलिए ही इन 1 करोड़ में से भी सिर्फ 5% स्पर्म्स यानी सिर्फ 500,000 स्पर्म्स ही यूट्रस के अंदर पहुंच पाते हैं। और अब यूट्रस में भी 90-95% स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब बाकी बचे हुए 500,000 स्पर्म्स में से भी सिर्फ 50,000 स्पर्म्स ही ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। लेकिन फेलोपियन ट्यूब भी 2 होती है, तो आधे स्पर्म्स एक फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और आधे स्पर्म्स दूसरी फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और फीमेल का एग बस एक ही फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो जो स्पर्म उस एग के साथ सबसे पहले फ्यूज हो जाता है वो ही इस रेस का विजेता होता है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक मेल का स्पर्म काउंट 1.5 करोड़ पर ml क्यों होना चाहिए। लेकिन रुको, अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल भी है तब भी ऐसा हो सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। क्या कहा? लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्पर्म को ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके स्पर्म सी अनफिट होंगे तो वो इतना मुश्किल रास्ता कैसे कवर करेंगे। तो इसलिए ही आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक मेल की स्पर्म मोटिलिटी 32% से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक फीमेल को प्रेग्नेंट करने के लिए मेल का स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml होना चाहिए और स्पर्म मोटिलिटी 32% से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मेरा तो स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी दोनों ही खराब है, तो मैं क्या करूं? फ्रेंड्स, अगर आपके स्पर्म्स की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना। एक मेल अपना स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी वापस नॉर्मल कर सकता है। बस आपको 2 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी और 2 चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। पहले हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप अल्कोहल, सिगरेट या फिर ड्रग्स कंज्यूम करते हो तो इन सारी चीजों को आज ही कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है जंक फूड। जंक फूड में भर भर के कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और आपके स्पर्म्स की हेल्थ खराब होती है। अब बात करते हैं कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाए। सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो है कि आपको अपनी डाइट में वो फूड ऐड करने हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन एंड गुआवा। विटामिन सी स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी ऐड जरूर करना है। हरी सब्जियों के बाद आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और अखरोट भी सुबह सुबह उठकर जरूर खाएं। और अगर आप अपने स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी सच में इंक्रीज करना चाहते हो तो आप दिन में कम से कम आधा घंटा कार्डियो एक्सरसाइज भी जरूर परफॉर्म करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी फिट और एक्टिव होगी जब ही तो आपके स्पर्म्स फिट और एक्टिव होंगे। तो इसलिए ही कार्डियो एक्सरसाइज भी जरूर करें।